आपके आ जाने से मैं अब तक आपने देखा सरल एवं स्वाभिमानी वेदिका का असीम मुश्किलों के बावजूद भी अपने माँ और बेटी के लिए किसी भी मुश्किल से लड़ने का दृढ़ निश्चय। इंटरव्यू ना अच्छे से देना, ये नौकरी ना मिली ना तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बेबाक और मस्तीखोर साहिल, जिसकी कहानी के किरदार उसके घर के लोग हैं, जिनसे वो बेइंतहा प्यार करता है। तुम्हारे ग्रेजुएट होने की खुशी में आज रात को हमने मेहमानों को बुलाया है खाने पे। पर क्या होगा जब इस आग और पानी का होगा एक दूसरे से सामना। हाँ, मुझसे शादी करोगे? Will you? इस अनोखी प्रेम कहानी का अगला पन्ना देखिए आगे। ये क्या कह रहे हैं आप? रिलैक्स, मजाक कर रहा था। इट्स गुड टू बी फनी समटाइम्स, टेंशन दूर हो जाती है जो आपके चेहरे पे दिख रही है। बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए प्लीज। लगता है कोई कंफ्यूजन है। ये वो लड़की नहीं जिसे मिलने के लिए बड़ी अम्मा ने भेजा है। बट कोई नहीं, प्ले अलोंग करने में क्या हर्ज है। बहुत ही एक्साइटमेंट होने वाली है आपकी टांग खींचने में मैडम जी। आपने मुझसे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है जी। अभी आप ही ने तो बताया कि आपकी 15 साल की बेटी है, तो एक्सपीरियंस तो आपके पास हो गई। वैसे आप मेरे बारे में कुछ नहीं पूछेंगी। मैं बताता हूँ, मुझे लाउड म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, बहुत तेज एक्शन फिल्में, बाइक पे घूमना। आप जीन्स तो पहनती होंगे ना, क्योंकि साड़ी में। देखिए, मुझे आपका इंटरव्यू लेने का तरीका बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। काम के बारे में तो आपने मुझसे एक सवाल भी नहीं पूछा, और आपकी उम्र भी इतनी छोटी है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि कंपनी वालों ने आपको क्यों भेजा इंटरव्यू लेने के लिए। हम रहने देते हैं प्लीज। अरे रुकिए, सॉरी। देखिए मैं मजाक कर रहा हूँ, दरअसल बात यह है कि आप यहाँ कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आई हैं और मैं किसी लड़की से मिलना है जिससे मेरी शादी होने वाली है। कैसे बेशरम किस्म के इंसान हैं आप, ऐसा कोई मजाक करता है? मैं अभी आपकी कंप्लेंट करती हूँ पुलिस में, और उनको। रवि जी उठा लीजिए। हेलो सर। हाँ, मैं तो कब से ब्लू गेट, ब्लू रिवर, सॉरी सर मुझे तो। हेलो, ऐसा बेहुदा मजाक करते हुए शर्म नहीं आई आपको? जी नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा सुनिए, I'm sorry। आप कहती है तो मैं थोड़ा गिल्टी फील कर लेता हूँ, पर मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मैं भी इंटरव्यू के लिए आया था, और मैं तो शादी के लिए हाँ भी करने वाला था। इस उम्र में इतना इमेच्योर कैसे कोई हो सकता है? एक मिनट प्लीज। इमेच्योर मत कहिए मुझे, गलती आपकी है, आप गलत रेस्टोरेंट पे आई हैं। और रही बात उम्र की, तो मैं हूँ आपसे छोटा, लेकिन दिल और दिमाग में मैं अब 30+ से कम नहीं हूँ, इसलिए तो आप मुझे पसंद आ गई। और सच कहूं तो कि अगर आप जैसी मिल जाए तो बिना इंटरव्यू के शादी कर लूंगा मैं। कंफर्म? मैम एक्सक्यूज मी, आपका हैंडकरचीफ। सॉरी गाइस, सॉरी बड़ी अम्मा, आप वाली लड़की तो आई नहीं, अब मैं उसका वेट नहीं करूंगा। हेलो, हाँ रवि जी, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। हेलो, हाँ हम सुनील भाई साहब को क्या जवाब दूंगी, कहां से लाऊंगी पैसे? यारिया, चाय बना रही है कि पत्तियां उगा रही है? तेरे ताऊ जी को चाय आज ही देनी है। नहीं नहीं, हमें चाय नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ क्या लूटने आए हो? ये घर तो देने से रहे हम तुम्हें, इस घर में आधा हिस्सा हमारे दामाद का भी है,
अरे तो हमने कब मना किया है कि आधा हिस्सा अनुराग का नहीं है? इकलौती बेटी की शादी करनी है हमें, पैसों की जरूरत पड़ेगी। जब ये घर बिकेगा तो आधा पैसा वेदिका को दे देंगे। और हम कहाँ रहेंगे? बाहर गली में डेरा डालेंगे क्या? अरे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। 3 लाख रुपए डिपॉजिट दो, किराया दो और रहो। अरे इंसान हो के कसाई, पिछले 8 साल से मेरी बेटी महीने के महीने बंधा हुआ पैसा दे रही है तुम्हें। अब तक तो ये घर वेदिका के नाम हो जाना चाहिए था। 10,000 रुपए में घर नहीं मिलता, 25,000 रुपए महीना पड़ता है इस घर का। वादा किए थे ना तुम कि जब तक आर्या की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती ये घर नहीं बेचोगे हैं? वादों से दहेज नहीं बनता माँ जी, लड़की ब्यानी है मुझे। तो आर्या तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? उसके रगों में तुम्हारा खून नहीं दौड़ रहा क्या? बाबूजी आप हमें क्यों निकाल रहे हैं इस घर से? बेटा अपनी माँ से कहो 25 लाख रुपए ला के दे दे, फिर रहो जिंदगी भर यहाँ पर। पर मम्मा इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी? आप बहुत बुरे हैं ताऊजी। ये तरीका सिखाया तुम्हारी माँ ने बड़ों से बात करने का? बड़ी मास्टरनी बनी फिरती है और बेटी है कि मुँह से कीचड़ उकल रही है। आप भी तो नानी से गंदी तरह से बात कर रहे हैं, वो भी तो बड़ी आपसे। आर्या ये क्या बदतमीजी है, ताऊजी से कोई ऐसे बात करते हैं? भाई साहब अब समझाने से क्या फायदा, बिन बाप की पली बच्ची है, बदतमीज तो होगी। खबरदार जो हमारी बेटी के बारे में कुछ बोले तो, हम चाहे ना तो लैंड लगवा दे एक लंबी अच्छे से अच्छे लड़कों की, और शादी करवा दे उसकी दूसरी किसी बड़े घर में। हाँ हाँ करवाइए ना, किसने रोका है आपको ये बेशर्मी करने से? मैं भी तो देखूं कौन सा बड़ा घर आपकी इस बेशर्मी पे मोहर लगाता है। साहिल मिले है लड़की से, कैसी लगी, प्यारी है? बढ़िया माँ, आप भी कहाँ इंटरनेट के झांसे में फंस गई। लड़कियाँ ऑनलाइन कुछ और होती है, ऑफलाइन कुछ और लगती हैं। का पसंद नहीं आई तुमको? एकदम सर चढ़ी, 4 दिन में दीवार खड़ी हो जाती घर के बंटवारे की। फिर झूठ, आज दूसरी बार झूठ बोले हो तुम हमसे। रत्ती भाभी शर्म नहीं आई तुमको? सारी हदें पार कर दिए हो तुम। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको सजा भी का दे हम। बढ़िया माँ प्लीज मत दीजिए सजा मुझे, बढ़िया माँ, वरना आप ही कोई बुरा लगेगा। और मैं गया तो उस लड़की से मिलने, पर कोई गलत लड़की से मिलाया, मुझे तो वो पसंद आ गई पर वो मुझे रिजेक्ट करके चली गई। सच कह रहा हूँ बड़ी अम्मा, आप चाहो तो उस रेस्टोरेंट का CCTV फुटेज मंगवा के दिखा दूंगा आपको। और मान भी जाइए बड़ी अम्मा, जब से आए आपने एक स्माइल नहीं दी मुझे, प्लीज। जाओ तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। जब रह नहीं पाएंगे ना मेरे बिना, तब समझ में आएगा। परेशान हो गए इस फैमिली ड्रामे से, दिल्ली वापस चले जाता हूं मैं। तू जाकर तो देख, मैं दिल्ली तक तेरा पीछा करूंगी। निधि, फिर आ गई मेरी पूंछ। बचपन की दोस्त का मेरा पीछा करने वाली डायन ज्यादा लग रही है तू। साहिल तेरी तू कोई लड़का पकड़ और शादी कर लेना, बुड्ढी लगने लगी है। बैठ 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 बैठ, तेरे चेहरे बैठ आराम से। थैंक यू। यू आर वेलकम। बाय द वे थैंक्स। और बता क्या चलो, तुझे दिल्ली में लोग कैसे बर्दाश्त करते थे? यहाँ के बैठा तू लेजी या तो व्हाट्सएप, यू वांट टू नो व्हाट्सएप, ये देख। हमें पता है हमें क्या करना है साहिल, तुम्हें लगाम लगाना जरूरी है, नहीं तो हाथ से निकल लोगे तुम हमारे। 2 लाख रुपए डिपॉजिट और 6 महीने का किराया एडवांस, इससे कम हम नहीं कर सकते। इतने पैसे एक साथ,
अब तो जानते हैं मेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं। हम मोल भाव करने नहीं आए हैं। मत भूलो कि इस घर पर हमारा भी आधा अधिकार है। ये हमारा बड़प्पन है कि अनुराग के जाने के बाद भी हमने तुम्हें यहाँ रहने दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये घर तुम्हारा हो गया। नहीं नहीं भाई साहब, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। क्योंकि पागल है तू, खुद तो खानदानी जायदाद पर चौकड़ी मारे बैठे हैं, उसमें दोनों भाइयों का हिस्सा नहीं बनता क्या? भाई का हक मार रहे हैं और बड़प्पन की बात करते हैं, बड़प्पन। माँ प्लीज। माथुर परिवार की आपसी बात है ये, समझाओ अपनी माँ को, जब देखो जब बीच में टपक पड़ती है। और हाँ, इसे भी समझाइए कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। माँ के हाथ की पली बड़ी है, ये सब तो होना ही है। बस भाई साहब, आपके मुंह से दोबारा सुन रही हूँ मैं ये, अनुराग के बिना अकेले आर्या को पालना मेरे लिए आसान नहीं था, और अनुराग का जाना भगवान की मर्जी थी। उसका इल्जाम आप मुझ पर मत डालिए। दो हफ्ते में हमें हमारा पैसा चाहिए। इसके लिए भीख मांगो या अपना ईमान बेचो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। अरे ये जल्लाद, तुझे कितना कुछ कह गया और तू कुछ ना बोली है? हाँ माँ, तो तुम्हें क्यों कुछ नहीं बोल रही? तो बिल्कुल चुप रहो, इस तरह बात करते हैं ताऊ जी से? आज तुम्हारी वजह से मुझे सुनना पड़ा कि मैं अकेली हूँ, इसलिए अच्छी माँ नहीं। माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो भी तो गलत ही कह रहे थे ना। आप उन्हें क्यों कुछ नहीं बोलते, आप क्यों डरती है इतना उनसे? बस करो आर्या। चिल्लाना और बदतमीजी करना कोई बड़ी बात नहीं, बुराई के बीच अच्छाई बनाए रखना, इससे बड़ा बनता है इंसान। ये ज्ञान अपने जेठ को भी दे दे। नहीं देना मुझे किसी को कोई ज्ञान, अब से ना आप ना आर्या कोई इसके बीच में नहीं पड़ेगा, अकेले सुलझाऊंगी मैं। आज का दिन ही अच्छा नहीं था, नौकरी भी नहीं मिली। क्या नौकरी नहीं मिली? ए भगवान, अरे जरूर तूने ही कोई गड़बड़ की होगी, इस तो पहले ही पता था। हम अभी आते हैं। चार साल में तुझे कोई पसंद नहीं आया, मुंबई में झक मार रही थी तू? मुंबई पढ़ाई करने के लिए गई थी, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं। वैसे तेरी बातों से लगता है कि तूने बड़ी लड़कियां घुमाई दिल्ली में। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ आंखें सेकता था। अच्छा, क्योंकि मुझे जो चाहिए ना वो एक लड़की में तो मिलेगा नहीं, और वैसे भी आजकल लड़कियां तेरे तरह कुछ ज्यादा ही इरिटेटिंग हो गई है यार, गॉड। जैसे कि तू तो बड़ा मैच्योर है, इस वर्ड का मतलब भी पता है तेरे को? मैच्योर इंसान की शक्ल ना तेरे जैसी नहीं होती, समझा? जानता हूँ, काफी सुंदर शक्ल है, बहुत अच्छी लगी मुझे। कौन कौन? एक है मैच्योर इंसान।
कोई हल निकलेगा और सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी माँ और बेटे को बेघर नहीं होने दूंगी। आसपास का चल रहा है कुछ खबर भी है तुमको, या सारा दिमाग रसोई में खर्च कर दी हो? जी जी भाभी जी, कुछ हुआ क्या हमसे? मैं कैसी माँ हूँ? तुम्हारे बेटे ने लड़की पसंद कर ली है और तुम्हें खबर ही नहीं? आओ हमारे साथ। नहीं दूंगी। वो देखो निधि, वो तो बहुत भाती है साहिल को, बचपन से दोस्त है उसकी। दोस्ती नहीं, हम रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। रिश्ते के बारे में? खूब अच्छा रहेगा भाभी, बहुत अच्छा रहेगा। और निधि हमें बहुत पसंद भी है और परिवार एक दूसरे को बहुत सालों से जानते भी हैं। जैसी लड़की इस घर की बहू बनने के लायक हो, निधि बिल्कुल वैसी ही लड़की। हाँ। तो सास बनने की तैयारी कर लो, हम निधि और साहिल का रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। भाभी उसकी उम्र की है, जोड़ी भी खूब जमेगी। भाभी कहती है कि हम उम्र जोड़ियों की शादियां खूब टिकती हैं। हे देवी माँ, बहुत खुश हूं आज। माँ खाना तैयार है। चलो आ रहे, बुक बंद करो, जल्दी से खाना खा लो। और एक दूं? नहीं बस। माँ चौंक क्या रही? गहने हमारी शादी के ज्यादा नहीं है, लेकिन मोल अच्छा खासा मिल जाएगा। सुन, बेच मत देना, जाके गिरवी रख दे और उठा ले पैसे। नहीं नहीं माँ, मैं ये नहीं कर सकती। अरे हम कौन सा तीज त्योहार में पहन के जाने वाले हैं ये गहने, हाँ? चल ले जा, लेकिन पैसे लाके ना हमें ही देना। अपने हाथों से तेरे कपटी जेठ के थोपड़े पे मारेंगे हम। हाँ, हम अपनी बेटी को मायूस नहीं देख सकते। माना कि हम थोड़े खराब हैं, लेकिन सही मौके पर अपनी बेटी की मदद करने से चूकेंगे नहीं। हाँ नानी, आपको ना आर्मी में जाना चाहिए, आपको देख के सारे दुश्मन डर के भाग जाएंगे। चल चुप कर, वरना जो तेरे गहने रखे हैं ना तेरी माँ ने संभाल के तेरी शादी के लिए, वो सब बिकवा दूंगी। हाँ गहने गिरवी रख दे, लेकिन कमा के छुड़वा जरूर देना। थैंक यू माँ। चल चल डाल दे। फोन नितिन, फोन दे, फोन फोन दे। साहिल यहाँ आओ। हेलो हेलो। जी बड़ी अम्मा। हमको ये बताओ कि इस बार हमारे जन्मदिन पर हमको क्या तोहफा दोगे? आप मुझसे तोहफा मांग रही हैं? मतलब कि आप मुझसे बट्टी होगी? तो कहिए क्या चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो और जिम्मेदार बनो। शादी? बड़ी अम्मा, शादी करके कौन जिम्मेदार बनता है? मेरे गले पे फंदा क्यों डाल रही हैं? फिर झूठ? हम जानते हैं कि कोई है जिसको तुम पसंद करते हो। पसंद तो बहुत सारी है बड़ी उम्र, लेकिन किस किस से शादी करूंगा मैं? वो लड़की से जिसके लिए हम हाँ कहे। वादा करो हमसे। एक मिनट, आप मुझसे वादा कीजिए, मैं शादी तब करूंगा जब मैं चाहूंगा। वादा? ठीक है वादा। तुम कल से दुकान पे बैठना शुरू करोगे और अपनी जिम्मेदारी भी उठाओगे। कल मिलते हैं फिर दुकान पर साले साहब। दुकान? वाह भाई, तो क्यूट,
साले सांप का दुकान पर आना ही हमारे गले में फंदा बांधना है। माइंड ना करिएगा, अब तक अकेले सारी दुकान पर राज कर रहे थे, अब असली मालिक आ गया तो हम घर जमाई को कोई खाक मालिक समझेगा। क्या हुआ दीपक जी, साहिल की दुकान पर आने से खुश नहीं हो? तुम अपना काम करो और हमारी शक्ल देखकर अपने बेकार के लॉजिक निकालना बंद करो, उतना दिमाग नहीं है तुम्हारा। इस दुकान का दरवाजा खुल जाए और कोई चमत्कार हो जाए जिससे मेरी बोरियत खत्म हो जाएगी। मैडम को नए वाले सेट। सुनती हूँ ना, तो इस बार आप मेरी सुन लीजिए। अरे एक ज्वेलरी है तो बोरी दिलाने के लिए एक बार देख लेते हैं। आपको ज्वेलरी देखनी है? मैडम जी प्लीज, मैडम आइए ना प्लीज, एक सेकंड। साहिल प्लीज। जी आइए आइए प्लीज, आप बैठिए, बताइए क्या दिखाएं आपको। नहीं नहीं, मुझे ये मुझे गिरवी रखने हैं। खानदानी लग रहे हैं, गिरवी काहे रख रही हैं आप? जी मेरी माँ के हैं, दरअसल अभी पैसों की थोड़ी जरूरत है, इसलिए पैसे जमा होते ही मैं छुड़वा लूंगी। मैडम जी एक बात कहें आपसे, माइंड ना करिएगा, नाक में आई हुई छींक और गिरवी रखे हुए गहने वापस नहीं आते। हम कारीगर को दिखाकर आते, फाइनल मोल वही बता पाएंगे। आप बैठिए। ₹3 लाख हाथ का मैल है क्या? अरे बड़ी मेहनत से कमाए हैं हम। आप तो ना चुप ही रहिए भैया, आप समझ रहे हो ना, हमारी बिटिया है भैया। अरे भैया आप सुनिए ना, हमारी बिटिया है ना, वो बड़ी हो रही है और हमें उसकी शादी तो करनी है ना, आप समझ रहे हैं ना। अरे नहीं नहीं, 5 साल की नन्ही बिटिया है हमारी, मतलब गहने छोड़िए गाड़ी ले लेते हैं। पर एक बार दिला देंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। अरे आप मेरी बात चुप चुप हो जाइए आप दोनों, एक पैसे की चीज नहीं खरीदेंगे इस दुकान से। पैसे है ना तो दुनिया घूमिए, टर्की बाली इटली फ्रांस कुछ भी देखा है अभी तक? तो कब देखेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे या दांत गिर जाएंगे या आने जाने के लायक नहीं रहेंगे तभी? जाइए जाइए दुनिया घूमिए, जाइए, समझदार है, जाइए जाइए घूमिए, गाड़ी ले लो। हाँ जी मैडम बताइए क्या लेंगे आप, मैं आपको बेस्ट प्राइस दूंगा और उस दिन के लिए सॉरी भी बोलना है आपको। जी जी नहीं, इट्स ओके। अरे कुछ तो लीजिए, ये मेरी दुकान है, मेरा मतलब मालिकों का बेटा हूँ तो मेरी चलती है यहाँ पे। क्या खरीदेंगे आप? अरे भैया जी वो मैडम अपने गहने गिरवी रखने आई हैं, दीपक भाई साहब गए हैं नीचे उन्हें दिखाने के लिए कारीगर को। जी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं।
वैसे आप अपनी तरह इन कीमती गहनों को गिरवी क्यों रखना चाहती हैं? कीमती नकली है इनके सारे गहने। नकली? मैडम जी, रत्ती भर सोना नहीं है इसमें, 2 या 3 हजार से ऊपर इसका मोल नहीं होगा। और आप ये नकली गहने हमारे पास गिरवी रखने चली आई, आप तो बहुत बड़ी ठग निकली। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इस ठग औरत को।